दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमारे पास है 24 इंच का ओनिडी कंपनी का दोस्तों एलईडी टीवी। दोस्तों एलईडी टीवी है जो हमारे पास, इसका जो प्रॉब्लम मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहां पे देखिए, हमने प्लग को यहां पे लगा दिया है, ये हमने यहां पे इधर ये प्लग लगा दिया है, और ये देखिए इसका जो IR इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो चुका है ब्लू, और ये देखिए डिस्प्ले एक बार आके और चला गया है, और वैसे सेट हमारा ऑन है, साउंड कंप्लीट इसका आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं, एक वन टाइम ही सिर्फ इसकी डिस्प्ले आके चली जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों कंप्लीट इसको ठीक करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल पर। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि सभी टाइप की ऑल पर्पज़ जो वीडियो होती है आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो दोस्तों चैनल का नाम है इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़, और ये जो एलईडी टीवी के सभी पेज हमने यहां पे खोल लिए हैं। समय का अभाव के कारण दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो काफ़ी फास्ट कर दिया था थोड़ा। और ये देखिए जो बैक कवर है इसका हमने निकाल दिया यहाँ पर, और इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो डिस्प्ले का LBDS केबल है यहाँ पर, इसको हमने यहाँ से अलग कर दिया है। तो इसके बाद में दोस्तों हमें चेक करना है, तो इस टाइप से जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमें सबसे, ये देखिए जो लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो ये आप देख पा रहे हैं वाइट कलर की जो रिबन टाइप की आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, तो जो कि हमारे पावर सप्लाई के अंदर से यहाँ पे आ रही है, जो कि डिस्प्ले में जो बैकलाइट का काम करती है यहाँ पर। तो इसके बाद में दोस्तों देखिए प्लग को हमने वापस से लगाया है, इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं आगे कॉर्नर की तरफ ब्लू हो चुका है, और एक बार आप यहाँ पर जो हमारी LED सप्लाई के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं 24 वोल्ट इसके आ रहे हैं, 24.7 वोल्ट, मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए 25.2 वोल्ट इसके आ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, वोल्टेज इसके काफ़ी ज़्यादा कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो बैक लाइट है एक बार ही ब्लिंक करके रह जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पर जो इसका सप्लाई बोर्ड है इसको यहाँ पर खोलना होगा, क्योंकि इन्वर्टर और सप्लाई बिल्कुल कॉम्बो है इसमें इसी से। तो दोस्तों ये देखिए जो कि बैकलाइट के लिए यहाँ से जो हमारी केबल लगी हुई है, इसको यहाँ से ये स्ट्रिप को यहाँ पे निकाल दिया हमने लॉक निकाल कर। तो दोस्तों ये इसके बाद में हमें ये देखिए जो कि इसमें सेपरेटर लगा हुआ है, सेपरेटर को हमें रिमूव करना होगा, और देख पा रहे हैं जो ये इतना ये इसका सेक्शन है जो कम्प्लीट, ये इसका इन्वर्टर बोर्ड है जो कि बैकलाइट के लिए वर्क करता है कम्प्लीट। तो दोस्तों फिजिकली यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा हीट हो रखा है, चलिए एक बार जो इसका सेपरेटर पेपर है इसके लॉक निकाल देंगे, तीन लॉक इसके अंदर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए दो लॉक हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं, और जो पेपर को यहाँ पे हमने कर दिया है साइड में, इसको घुमाकर साइड में कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद में देखिए फिजिकली आपको चेक करना है कोई कैपेसिटर वगैरह है, जितने भी इसमें सप्लाई में दो या तीन आपको कैपेसिटर मिलेंगे, वो कोई कैपेसिटर आपका फटा हुआ या फिर डैमेज तो नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कैपेसिटर, इसमें दो कैपेसिटर ये 16 वोल्ट के लगे हुए हैं, यहाँ पे दोनों कैपेसिटर बिल्कुल बराबर में लगे हुए हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं, और दोनों कैपेसिटर पीछे की तरफ से हीट खा के थोड़े फूले हुए हैं, और ये देखिए 16 वोल्ट के कैपेसिटर हैं, 16 वोल्ट 470 UF के कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो दोनों कैपेसिटर को हम यहाँ पे निकाल लेंगे, एक कैपेसिटर हम निकाल चुके हैं और ये इसका दूसरा कैपेसिटर है। तो दोस्तों कैपेसिटर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैपेसिटर आपको कौन से लगाने हैं, आपको हमेशा जो BC ब्रांडेड जो आते हैं ब्लू कलर के, उनका ही आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों इसमें हम इनकी जगह 16 वोल्ट की जगह हम इसमें लगाएंगे, 25 वोल्ट के कैपेसिटर दूसरे चेंज करेंगे। ये देखिए हमारे पास स्पेयर में भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का वर्क भी हम करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए काफ़ी सारे कैपेसिटर हैं, जिनमें से ये दो कैपेसिटर हमने ले लिए हैं, 25 वोल्ट 1000 UF के कैपेसिटर हैं, BC कंपनी जो कि फिलिप्स के कैपेसिटर हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है और काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। तो दोस्तों दोनों कैपेसिटर हमने यहां से रिमूव किए थे, और देख पा रहे हैं कैपेसिटर लगाते वक्त ध्यान रखें नेगेटिव पॉजिटिव इसका बिल्कुल उल्टा नहीं लगाएं, प्लेट के ऊपर भी आपको मार्किंग मिल जाती है, यदि आप भूल जाएँ तो उसको देख सकते हैं, और सिंबल भी आपको मिल जाता है। दोनों कैपेसिटर हमने लगा कर यहाँ पर सेट कर दिए हैं, और ये हमने पेस्ट अप्लाई कर दिया ताकि सोल्डरिंग है जो अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों चारों कैपेसिटर हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे, सोल्डरिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करनी है आपको, बिल्कुल लूज नहीं रहना चाहिए, और सोल्डरिंग अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए।
तो दोस्तों ये देखिए, कहीं पे आपको और भी कोई ड्राई सोल्ड या लूजिंग दिखाई दे तो उस पर भी आपको पूरा सोल्ड कर देना अच्छे से पेस्ट लगाकर। और ये देखिए जो कैपेसिटर की लैग है एक्स्ट्रा, उनको हमने यहाँ पे कट कर दिया है। तो दोस्तों लैग कट करने के बाद में आपको ये देखिए कार्बन आ गया जो कि पेस्ट वगैरह से, तो इसको थिनर या पेट्रोल से भी इसको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पूरा साफ़ कर लें पीसीबी को, ताकि कोई भी बिल्कुल इसमें इश्यू नहीं रहे कोई सॉर्टिंग का। तो सेपरेटर को हमने यहाँ पे वापस लगा दिया है। और पीसीबी ये देखिए जो इसकी मेन केबल है जो कि हमने यहाँ से निकाल दी थी, इसको भी हमने लगा दिया है। और ये जो एलईडी स्ट्रिप की जो हमारी, इसको भी हमने यहाँ पे लगाकर, ये देखिए पूरा इसको लगाकर अच्छे से पूरा अंदर बिठाकर, और ये लॉक है इसको प्रेस कर दिया है। तो दोस्तों इसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो इसके बाद में वोल्टेज हम दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पीसीबी को यहाँ पे पूरा टाइट कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और ये लगा दिया हमने इसका डिस्प्ले का एलबीडीएस केबल, जो कि हमने यहाँ से रिमूव किया था कार्ड के अंदर से। तो चलिए कवर को यहाँ पे लगा देंगे, सेट कर देंगे, पेच हम बाद में लगाएंगे दोस्तों। एक बार इसको चेक करेंगे सप्लाई देकर क्या पोजीशन है, जब जहाँ तक है, क्योंकि कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि दोनों कैपेसिटर थे बिल्कुल फूले हुए थे, तो अब भी नहीं होगा तो फिर इसके बाद में हमें बैकलाइट को चेक करना होगा। तो दोस्तों ये देखिए ऑन हो चुका है और डिस्प्ले भी रुक चुका है। दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो गया सेट। और ये देखिए ये नो सिग्नल के लिए आ गया है, डिस्प्ले ब्लू बैक इसका आ गया है। दोस्तों देखिए नो सिग्नल भी इसमें आ चुका है, क्योंकि हमने कोई भी इसमें अंदर केबल या फिर यूएसबी वगैरह नहीं लगाई है। तो चलिए सभी पेचों को यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि सेट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इसको केबल लगाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसमें इस टाइप की जो कि ये एवी इनपुट है जो हमने यहाँ पे लगा दिया है, कन्वर्टर जो पिन लगाकर इसकी। और ये देखिए डिस्प्ले इसका आ चुका है, सेट हमारा ऑन हो चुका है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल कम्युनिटी गाइडलाइन जो कि कॉपीराइट क्लेम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई प्रोग्राम इसमें प्ले नहीं किया है। तो देखिए नो सिग्नल इसका सेटअप बॉक्स का आ चुका है, इसमें एलईडी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें या फिर व्हाट्सएप भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।